जो हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 मिथ्स, देखते हैं ये सच है या झूठ। अब वीडियो को एंड तक वॉच करना, और भाई अभी तक नए हो चैनल पर तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हेलो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं आयुष बस्टर गेमर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा पहले मिथ ये है कि अगर हम इसके अंदर, पता नहीं ये क्या है, मेरा नाम भूल गया, इसके अंदर अगर हम डर्ट डाले तो ये हमारे को बोन मिल देगा। तो डर्ट से तो काम नहीं बन रहा है, तो हम ग्रास से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये सच है या झूठ। तो ग्रास से अगर हम देखें तो हाँ, ये मिथ काम कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ देखिए बन गया है हमारा बोनविल, तो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो हमारा सेकंड मिथ ये है कि हम वूल को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो भाई मैं तो वूल को यहाँ पर रख भी नहीं पा रहा हूँ, सो दिस मिथ इज बस्टेड। सो हमारा थर्ड मिथ ये है कि हम अपने बोट को नेम दे सकते हैं। मैंने बोट को नेम देने की ट्राई करी सब्सक्राइब, और आप कर दो सब्सक्राइब, और दिस मिथ इज बस्टेड। सो हमारा फोर्थ मिथ ये है कि विलेजर जो है वो नेदर में सो सकता है बिना फटे। तो हम देखते हैं, अभी हम टाइम को मिडनाइट कर देते हैं, नाइट भी नहीं, मिडनाइट कर देते हैं, देखते कि ये सोता है कि नहीं। मिडनाइट कर दिया, अरे भाई ये तो सही है। ओए उठ भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, लाइक तो कर ही दिया होगा, वीडियो को नहीं किया तो मार खा भाई। सो हमारा फिफ्थ मिथ ये है कि हम एंड क्रिस्टल को एग से फोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये सही है कि गलत। तो यहाँ पर हम एंड में आ चुके हैं, इसको ट्राई करने के लिए ये रहा मेरे पास एग, देखते हैं। तो मैंने मारा और भाई दिस मिथ इज कन्फर्म्ड, टोटली कन्फर्म्ड, जैसा कि आप देख सकते हो। सो हमारा सिक्स्थ मिथ ये है कि आयरन गोलम को फॉल डैमेज नहीं लगता है। आइए चेक करते हैं। ये मैंने आयरन गोलम को गिरा दिया है, और भाई आप साफ साफ देख सकते हैं इसको एक थोड़ा भी डैमेज नहीं हुआ है, तो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो हमारा सेवेंथ मिथ ये है कि हम बीकन को अपने हाथ से तोड़ सकते हैं और बीकन हमें मिल भी जाएगा, देखते ही हमें मिलता है कि नहीं। सो बीकन को मैं तोड़ तो रहा हूँ और टाइम लगा, और हाँ भाई बीकन हमें मिल गया है, सो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो हमारा एट्थ मिथ ये है कि हम वेट स्पॉन्ज को नेदर में सुखा सकते हैं अच्छे से, तो आप देख सकते हैं कि ये मिथ एकदम सही है, सो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड। सो हमारा नाइन्थ मिथ ये है कि जो हमारा टर्टल एग और डायमंड है ये दोनों एकदम सेम दिखते हैं, तो आइए देखते हैं, तो हाँ दिस मिथ इज कन्फर्म्ड दोस्तों। सो हमारा टेंथ और लास्ट मिथ ये है कि जो हमारा ग्लास है उसके अगर हम लोग अंदर से देखेंगे अपने एंडरमैन को, तो उन लोगों को उनके आँखों में देखने से उन्हें कुछ नहीं हो, मतलब वो फिर रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो हमें ग्लास के आर पार नहीं देख सकते। आइए चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं कहीं भी काम नहीं कर रहा है, सो दिस मिथ इज कन्फर्म्ड।